हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपीन की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो अमोनिया से क्रिया करता है और हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन नामक यौगिक का निर्माण करता है जिसे यूरोट्रोपीन कहते हैं, और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है, जो एलिमेंट बनता है यूरोट्रोपीन, ये तृतीयक एमीन का है। ठीक है, कौन सा एमीन इसमें होता है? तृतीयक एमीन होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके तृतीयक एमीन देता है, और तृतीयक एमीन के रूप में कौन आता है? 6-methylene, देखो कितनी बार आया, 6। तो हेक्सामिथिलीन और एमीन कितनी बार आया? 4। टेट्राएमीन, तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन नामक यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम यूरोट्रोपीन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें एक और रिएक्शन है कि कैनिजारो अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड NaOH से क्रिया करके मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया जो है कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसका वीडियो हमने पिछले अपने जो है जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया है। तो ये थी फॉर्मल्डिहाइड की नेक्स्ट रिएक्शन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।